जीवन में प्लानिंग का महत्व क्या होता है ये आज हम सीखेंगे। कोई भी कार्य करने से पहले हम प्लान करते हैं तो हमारा जीवन जी रहे हैं तो उसका प्लान तो जरूरी है ना। तो चलिए ये स्टोरी सुनिए और अपने जीवन को अच्छे से प्लान कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक जॉब करता हुआ आदमी ट्रेन में सफर कर रहा होता है। उसको बहुत लंबा जाना होता है, तकरीबन 100 किलोमीटर जाना होता है। वो अपनी सीट पर बैठा हुआ होता है, एक समोसे वाला आता है और उसकी सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। तो इसने सोचा कि चलो ना इस समोसे वाले से ही बात कर लूँ थोड़ा। समोसे वाले ने थोड़ी स्माइल दी, इसने सामने से भी बड़ी स्माइल दी और बातें शुरू हो गई। उन्होंने नॉर्मल ही समोसे वाले से पूछा कि भैया ये काम करते करते थक जाते होगे ना। तो समोसे वाला बोला, हाँ साहब थक तो जाता ही हूँ पर काम तो ज़रूरी है जीवन में तो करता हूँ। तो बोले कि अच्छा सही बात है आपकी, चलो मुझे ये बताओ आप दिन में कितना समोसा बेच लेते हो। तो समोसे वाले ने कहा तकरीबन 3500। तो बोले कि घर पे बनाते हो। तो कि नहीं 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 साहब ऐसा झंझट मुझे आता नहीं, इतना अच्छा समोसा मुझे मेरी वाइफ भी नहीं बना पाती है, हम लोग किसी और से खरीदते हैं, ऊपर एक रुपया मुनाफा लेके मैं बेच देता हूँ। दिन के 3500 रुपये उसकी कमाई है, महीने की गिनने जाओ तकरीबन 1,00,000 रुपए की कमाई वो कर लेता है। बोला कि साहब जी इसमें से थोड़ा बहुत खर्च हो जाता है और दूसरा जो बचता है उसको मैं दूसरी बिजनेस में डाल देता हूँ, उससे मैं दूसरा कमाता हूँ। तो बोले वो कैसे? तो उसने कहा मैंने गांव में जमीन खरीद ली है, बस जमीन की जो उपज होती है वो भी मेरी एक कमाई है। अच्छा। और बोले कि वो तो कमाई है ही है, अभी इसमें से भी बचता है उसको मैं, मेरा एक दोस्त है वो म्यूचुअल फंड में मुझसे निवेश करवाता है तो वहाँ पे भी मैंने इन्वेस्ट करता हूँ और उसके कहने से मैंने मेरा इंश्योरेंस भी करवा लिया है। वो जो जॉब करता हुआ आदमी था वो तो शॉक्ड हो गया कि अरे मेरा तो सिर्फ 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी है, ये समोसे बेचने वाला जिसने कुछ पढ़ाई नहीं की है, अनपढ़ है, फिर भी इतनी अच्छी सूझबूझ है कि पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। ये लोग बातें कर रहे होते हैं उसमें अचानक से समोसे वाले पर एक कॉल आया। उसने अपने पॉकेट में से सिंपल सा 1,000-2,000 वाला मोबाइल निकाला और बात करने लगा। ये देख के फिर से वो जॉब करने वाला सब, इतने सारे रुपयों कमाता वाला आदमी भी जो सिंपल फोन यूज करता है वो बोलता है सर मुझे इंटरनेट यूज करना नहीं आता है और मुझे वो डिजिटल भी मुझे नहीं आता है तो मैं ये सिंपल फोन यूज कर रहा, मुझे तो सिर्फ बात ही करनी है ना, मुझे और क्या करना है। तब जाके वो जो इंसान जॉब कर रहा होता है उसकी आंखें खुल गई। वो सोचने लगा कि सफर तो यूं ही कट जाता अगर ये समोसे वाला ना मिलता, लेकिन इस समोसे वाले ने मेरी आंखें खोल दी कि जीवन में पढ़ लिख के ही कुछ बना जाए ये जरूरी नहीं है, पर पढ़ लिखना तो जरूरी है ही, लेकिन पैसों का सही इस्तेमाल, सूझबूझ क्या होती है, कैसे अपना जीवन में अपना प्लान करना है, जीवन को प्लान करना है, ये समोसे वाला मुझे आज सिखा गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आजकल के बच्चे या फिर बड़े किसी और का बड़ा कुछ देख लिया
तो उसको भी वही महंगा फोन लेना है, वही महंगा कार लेना है, वही महंगा घर लेना है, चाहे ना वो ईएमआई पे क्यों ना ले, लेकिन वो लेके घूमता है। और ये करोड़पति लाखोंपति समोसे वाला 2000 का फोन यूज करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में पैसों को ऐसे प्लान कीजिए कि आपकी हेल्थ वेल्थ सब कुछ कंप्लीट हो और बच्चों का फ्यूचर भी आपने बना के रखा। तो इस समोसे वाले की कहानी से हम लोग ये मॉरल ग्रहण करेंगे कि हमारे जीवन में हम प्लान करके चलेंगे, ऐसे ही पैसा आया उड़ा दिया, पैसा आया उड़ा दिया, कभी नहीं। पैसे की अहमियत समझिए, बच्चों को समझाइए और अपने जीवन का प्लान कीजिए, फिर देखिए जीवन जीने का क्या मजा आता है। तो चलिए इसी अच्छी सोच के साथ कि हमें हमारे जीवन में प्लान करना चाहिए, तो हर रोज कहती हूँ वो आज भी कहूँगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज।